ये अभी जो वीडियो बन रहा है ये पटना अंता घाट के पास बन रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने हमारे पास कैसे आए? आपके पास सर YouTube के माध्यम से देखकर, बहुत पहले से फॉलो करते थे, उसी समय से देखकर आपके पास मतलब गोला उला और ये सब पहले से ही देखते रहते थे कि ना सर जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग बहुत मस्त है और बहुत अच्छा सिखाते हैं। गलती को सर परखते हैं कि किस तरह से लेकर तैयारी किया जाता है, कहाँ गलती कर रहा है, उसको पर ध्यान देते हैं सर। सबसे मेन फैक्टर यही होता है। जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर का कोच अरुण मोदी। आज आपको परिचय वैसे व्यक्ति से कराया जा रहा है जो अभी बिहार SI का जो रिजल्ट आया है उनमें मेरिट लिस्ट में इनका नाम आया है। वो हमारे साथ निरंजन जी उपलब्ध हैं जो अरवल से बिलोंग करते हैं। ये बिहार SI के सर्जेंट में क्वालिफाई किए, बिहार SI का जो सर्जेंट मार्ग था वो क्वालिफाई किए हैं। तो चलिए इनसे परिचय कराते हैं। तो बताइए निरंजन जी, आपने हमारे अकेडमी में कितने दिन प्रैक्टिस किए थे? सर आपके अकेडमी पहले जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ और सर का सबसे बड़ा इसमें आशीर्वाद रहा कि मैं सर्जेंट क्वालिफाई किया और इसमें मैं करीब 2 महीना उसमें मैं ट्रेनिंग किया और सर के जैसे जैसे गाइडलाइंस सर बोले वैसे मैं करते गया। और आप ये बताइए, जिसमें आपने अकेडमी ज्वाइन किया था उसमें आपकी क्या स्थिति थी? क्या आपको सर्जन के लायक थे या क्या, मतलब क्या उसमें प्रोसेस आपका चल रहा था प्रैक्टिस? नहीं, उस समय तो हम सर्जन लायक नहीं थे। हम तो बिहार SI के लिए मैंने फिजिकल था, लेकिन सर्जन का 15 फीट लॉन्ग जंप था तो हम सोचे कि हमसे नहीं होगा, लेकिन सर के पास आए तो सर बोले कि नहीं तुम कर सकता है और प्रैक्टिस कराएं और धीरे धीरे बढ़ते गए। हम शुरू में 13 के आसपास करते थे लेकिन 15 नहीं हो पाता था, लेकिन सर जैसे जैसे प्रैक्टिस कराएं वैसे वैसे बढ़ते गया और लास्ट में फाइनल ये। आपका ये बताइए, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? सर अरवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आपने हमारे पास कैसे आए? आपके पास सर YouTube के माध्यम से देखकर, बहुत पहले से फॉलो करते थे, उसी समय से देखकर आपके पास मैंने तो आपको YouTube का वीडियो बहुत बहुत अच्छा है, गोला उला और ये सब पहले से ही देखते रहते थे कि ना सर जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग बहुत मस्त है और बहुत अच्छा सिखाते हैं। गलती को सर परखते हैं कि किस तरह से लेकर तैयारी किया जाता है, कहाँ गलती कर रहा है, उसको पर ध्यान देते हैं सर। सबसे मेन फैक्टर यही होता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको बिहार SI में क्वालिफाई करने के लिए। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो YouTube के माध्यम से जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन किए और अपना भविष्य सुनिश्चित किए। आप उन लोगों को भी थोड़ा मार्गदर्शन दें जो अगली बार मेरिट में उनका नाम नहीं आ पाया, उनको क्या राय देना चाहते हैं? सर जिसका मेरिट में नाम नहीं आया उसको मैं यही करता हूँ कि धैर्य रखिए, संघर्ष बहुत लंबा है आपका, कोई ये नहीं है कि इसमें नहीं हुआ अगला सफलता आपकी नहीं है। एक सफलता नहीं होने से ऐसा नहीं आदमी का निराश हो जाना चाहिए, नेक्स्ट आपका जरूर होगा, इसलिए धैर्य बनाए रखिए और आगे का तैयारी कीजिए। आपने कितना दिन से ये SI का तैयारी कर रहे थे? सर SI का तो मेरा तो सफ़र बहुत दिन से शुरू था, लेकिन SI का जब से तो 19 का वैकेंसी था, जब से 19 का हुआ उसमें मैं बिहार पुलिस के बीच में तैयारी किया, लेकिन उसमें फिजिकल में छट गया, उसके बाद फिर मैं SI में लग गया। उसके बाद देखिए, लोग एक दो जॉब को छोड़ के, और कोई लोग एक दो जॉब गलती से छूटता है, जैसे इनका फिजिकल में बिहार पुलिस में छूट गया, तो लोग अगर एक दो फिजिकल में छूट जाता है, रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो लोग निराश होकर पढ़ना छोड़ देते हैं, फिजिकल करना छोड़ देते हैं, मगर इन्होंने वो संघर्ष जारी रखा और अभी मेरे साथ SI का कैंडिडेट अभी क्वालिफाई करने के बाद, सर्जन क्वालिफाई करने के बाद भी ये अभी बंदा फिजिकल मेरे साथ अभी कर रहे हैं कॉन्स्टेबल के साथ, क्योंकि अपने सेहत को स्ट्रांग रखेंगे तो ही जाके वहाँ पे जो इनका ट्रेनिंग चलेगा, 10-12 किलोमीटर रनिंग करना होगा, घुड़सवारी करना होगा, तैरना होगा, वो ब्रेथ यहीं से स्ट्रांग करके वहाँ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग कभी भी धैर्य मत खोए, चाहे आप कॉन्स्टेबल का तैयारी कर रहे थे या फिर SI का तैयारी किए हैं, अगर आपका मेरिट नहीं बना है धैर्य मत खोए, आपका हो सकता है आप इससे और अच्छा करने वाले हों, या हो सकता है और आपका बेहतर हो। पिछले बार आप SI में, मतलब अब की बार जो SI का जो हुआ मेरिट नहीं बना, हो सकता है अगला बार आप सर्जन के लिए क्वालिफाई करें, तो आप मेहनत को और बढ़ाइए, सोचिए कि और ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा और अगले साल और जा सकता है, तो इसलिए कि आपका धैर्य मेन है, आपको धैर्य रखना होगा। ये नहीं कि आपका एक मेरिट नहीं आया तो हम निराश होकर छोड़ देंगे, आपको
200% से अब स्ट्रांग हो गया और तैयारी करें। मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको उस फिजिकल तक मेहनत तक आपको सफ़र कराया, तो आप में वो क्षमता है कि आप फिर से तैयारी करके उस जगह को हासिल कीजिएगा। तो और आपका एक्सपीरियंस जो आने वाले बच्चे हैं उनका एक्सपीरियंस से ज़्यादा रहेगा, तो आप उनसे ज़्यादा प्लस हैं, इसलिए आप फिर से मेहनत करें। जो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आप लोग धैर्य रखें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी SI क्वालिफाई किए हैं, सर्जन क्वालिफाई किए हैं, जेल SI क्वालिफाई किए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये अभी जो वीडियो बन रहा है ये पटना अंता घाट के पास बन रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पटना गांधी मैदान में, क्योंकि 21 तारीख से गांधी मैदान खुलने की संभावना है, तो आप गांधी मैदान में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आज से ही जुड़ना चाहते हैं तो आप अंता घाट में आके संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।